ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में मेरे पास आप सभी के लिए WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। तो आपको यही बोलूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के स्टुअर्ट केस के बारे में। हम सभी के चहेते सुपरस्टार ने कर लिया है WWE में अपना डेब्यू। एक बड़ा चेंज जो आने वाले टाइम में हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिल सकता है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डैनियल ब्रायन वर्सेस शेन मैकमैन के मैच होने के एट रेसलमेनिया 34। सबसे पहले बात करते हैं हम सभी के फेवरेट सुपरस्टार के बारे में, और ये कोई और नहीं बल्कि महाबली शेरा है। तो रिसेंटली मैंने आपको चैनल पर अपडेट दे दी थी कि WWE ने महाबली शेरा को साइन कर लिया अपने साथ परफॉर्मेंस सेंटर में, और अब महाबली शेरा वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे भी एक गुड न्यूज़ ये है कि महाबली शेरा ने अपना इन रिंग में, मैं कहूँ तो, डेब्यू भी कर लिया। और वो किया उन्होंने NXT के लाइव इवेंट में जो कि था फ्लोरिडा में, और वहां पर उन्होंने पहला मैच लड़ा डैन माथा के अगेंस्ट, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और मजे की बात ही हम सभी के लिए अच्छी बात भी है कि महाबली शेरा ने अपने इस पहली मैच को जीत लिया, तो उन्होंने WWE में अपना आगाज काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दूँ, जहाँ वो फैंस बैठे थे उनका कहना यह है कि यहाँ पर महाबली शेरा को महाबली के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब वो मेन रोस्टर में या फिर जब NXT में आए तो हमें उनका नाम महाबली देखने को मिले, ना कि महाबली शेरा, या फिर हो सकता है हमें और भी चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि WWE नहीं चाहेगी जैसा उनका नाम इंपैक्ट रेसलिंग में था वैसा ही नाम वो WWE के अंदर भी रखें। अब बात करते हैं डैनियल ब्रायन वर्सेज शेन मैकमैन के मैच होने के बारे में एट रेसलमेनिया 34। तो आप लोग भी कमेंट करके काफ़ी बार पूछ रहे थे कि डैनियल ब्रायन के बारे में कोई नई अपडेट, तो फिलहाल अपडेट ये है कि अभी भी WWE की कोई भी प्लान्स नहीं है कि डैनियल ब्रायन का कोई मैच रखा जाए एट रेसलमेनिया 34। पहले रूमर्स ये आए थे कि जिस तरह का एंगल WWE दिखा रही है हमें शेन मैकमैन एंड डैनियल ब्रायन के बीच, तो हो सकता है कि रेसलमेनिया में हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच देखने को मिले। लेकिन रिपोर्ट्स ये है कि WWE ने ऐसा इसलिए किया ताकि स्मैकडाउन लाइव की रेटिंग्स पर थोड़ा सा उछाला है, और शायद WWE का ये मूव बिल्कुल सही भी रहा। हम देख रहे हैं WWE चैंपियनशिप का मैच, वहां पर भी हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है डैनियल ब्रायन एंड शेन मैकमैन की। इसके अलावा US चैंपियनशिप के मैच में हमने बैक स्टेज देखा था, ये दोनों आपस में उलझते रहते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए ताकि स्मैकडाउन लाइव की रेटिंग को बरकरार रखा जा सके। ओरिजिनली WWE की कोई भी प्लान्स नहीं है कि रेसलमेनिया 34 में हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच दिखाया जाए। लेकिन अगर WWE के अंदर उन डॉक्टर्स को मनाया जा सका जो कि ये कह रहे हैं कि डैनियल ब्रायन रेसल नहीं कर सकते, तो हो भी सकता है कि हमें रेसलमेनिया 34 में डैनियल ब्रायन का मैच देखने को मिले, लेकिन इसके चांसेस बहुत बहुत ही कम है। ये हो सकता है कि रेसलमेनिया 34 के बाद हमें डैनियल ब्रायन का कोई मैच देखने को मिले अगर चीज़ें सही चली। वैसे तो कोई चांस नहीं है कि डैनियल ब्रायन हमें WWE में रेसल करते हुए दिखाई दें। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है रोमन रेंस के स्टुअर्ट केस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको अब तक की सारी अपडेट्स दी हैं इस केस के बारे में, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि जॉन ब्रावो का कहना यह था कि वो इस वीडियो को रिलीज कर देंगे इस हफ्ते, लेकिन अब सैटरडे आ चुका है और अब तक वो वीडियो रिलीज नहीं हुई। तो इस पर जॉन ब्रावो ने कहा कि वीडियो डिले इसलिए हो रही क्योंकि वो पहले सिर्फ इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले थे रोमन रेंस को, मतलब यहाँ पर वो सिर्फ रोमन रेंस को ही एक्सपोज करने वाले थे, लेकिन अब इस वीडियो में वो रोमन रेंस के साथ साथ और भी कुछ बड़े नामों को एक्सपोज करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया कि एक नाम तो यहाँ पर ऐसा है जो कि रोमन रेंस से भी ज़्यादा बड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी कुछ अपडेट दी और कहा कि वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो शूट हो रहा है और शायद अब तक तो हो भी गया होगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने एजेंट, मतलब अपने लोगों से इस वीडियो का रिव्यू भी करवाएंगे, और इसके बाद वो अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो का आई थिंक पोस्ट भी करने वाले हैं, जिसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि रोमन रेंस के बारे में वो जो सभी बातें कह रहे हैं वो सच है या झूठ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही वो इस वीडियो को रिलीज कर देंगे उसके बाद वो गायब हो जाएंगे या शायद छुप जाएंगे। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, शायद दूसरी चीज़ों पर स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन खैर ये सही बातें हमें आने वाले टाइम में क्लियर होने वाली हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़े एक बड़े चेंज के बारे में जो आने वाले टाइम में हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिल सकता है, और वो ये, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं फिलहाल मंडे नाइट रॉ 3 घंटे की होती है, लेकिन आने वाले टाइम में, या मैं कहूँ 2019 में, हो सकता है कि हमें मंडे नाइट रॉ सिर्फ 2 घंटे की देखने को मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल WWE की जो प्रोग्रामिंग है वो है USA नेटवर्क के हाथ में, क्योंकि WWE और USA नेटवर्क ने डील साइन करी है, और ये डील है 30 सितंबर 2019 तक। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये हैं कि फॉक्स नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है WWE की प्रोग्रामिंग लेने में, तो अगर फॉक्स नेटवर्क के हाथ में चली जाती है WWE की प्रोग्रामिंग, तो हो सकता है कि हमें मंडे नाइट रॉ 3 घंटे से अब 2 घंटे की देखने को मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि USA नेटवर्क ने WWE को कहा कि आप 3 घंटे का ऐसे करो, और इसके लिए उन्होंने WWE को ज़्यादा पैसे भी ऑफर किए। लेकिन आने वाले टाइम में जब WWE की प्रोग्रामिंग फॉक्स नेटवर्क के पास चली जाएगी, तो हो सकता है कि फिर से एक बार मंडे नाइट रॉ हमें 2 घंटे की ही देखने को मिले। तो गाइस, बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि महाबली शेरा के NXT के लाइव इवेंट में डेब्यू करने के बारे में आपका क्या कहना है, और डैनियल ब्रायन एंड शेन मैकमैन के बीच आप रेसलमेनिया मैच देखना पसंद करेंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।